नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे। तपोवन टनल में अचानक अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टनल से पानी निकलने लगा। इसके बाद आनन फानन में रेस्क्यू टीम और मशीनों को बाहर निकाल लिया गया। बैरिकेड्स लगाकर सभी कर्मचारियों को टनल से दूर किया जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सात फरवरी को चमोली में आए सैलाब के रास्ते में जो आया वो तबाह हो गया। अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 170 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। पांचवें दिन भी तपोवन टनल में फंसे 30 से ज्यादा मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से जारी था, लेकिन अचानक टनल में पानी भर जाने के कारण रेस्क्यू को अभी रोका गया है। SDRF का कहना है कि नदी और टनल आपस में मिल गए हैं, जिसके चलते मुश्किल आ रही है। SDRF ने कहा कि जो लिस्ट मिली है उसके मुताबिक टनल में 39 मजदूर फंसे हो सकते हैं। वह टनल के किस हिस्से में फंसे हैं इसका पता अभी तक नहीं चला है। उन लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन फिलहाल रुका हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन रोके जाने पर SDRF का कहना है कि अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी और टनल का लेवल एक हो गया है, इस वजह से नदी से भी पानी आ रहा है और टनल से भी पानी आ रहा है। जब भी कीचड़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं तब नदी के जरिए टनल में कीचड़ आ रहा है। अलकनंदा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ रहा है और उसका पानी टनल में भी आ गया है। इस वजह से रेस्क्यू टीम को आधे किलोमीटर तक पीछे ले जाया गया। मौके पर मौजूद जिलाधिकारी का कहना है कि अभी नहीं पता है कि जलस्तर कैसे और कितना बड़ा है, लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद किया गया है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने की घटना को 5 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी राहत और बचाव कार्य चल रहा है। तपोवन टनल से लेकर रैणी गांव तक करीब 170 से अधिक से लोग लापता हैं, लेकिन इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। अलकनंदा नदी में अचानक बहाव तेज हो गया है, इस वजह से ड्रिलिंग ऑपरेशन को रोकते हुए पहले मशीनें बाहर निकाली गई, फिर रेस्क्यू टीम के लोगों को बाहर निकाला गया। हालांकि अभी साफ नहीं है कि अचानक पानी का बहाव क्यों बढ़ गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। तपोवन टनल में अचानक अफरा तफरी का माहौल हो गया है। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टनल से पानी निकलने लगा। इसके बाद आनन फानन में रेस्क्यू टीम और मशीनों को बाहर निकाल लिया गया। बैरिकेड्स लगाकर सभी कर्मचारियों को टनल से दूर किया जा रहा है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। हरिद्वार में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है, और साथ ही आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह और भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सीएम के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है, और इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो हरिद्वार में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है, और साथ ही आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह और भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सीएम के नाम डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। तस्वीरें हरिद्वार की आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आजाद समाज पार्टी के लोग अब्दुल कलाम की प्रतिमा लगाने की मांग कर रहे हैं, और साथ ही उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं कलियर नगर पंचायत में शौचालयों का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है, जिसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। आक्रोशित लोगों ने नगर पंचायत कार्यालय पर इकट्ठा होकर हंगामा किया और ईओ के न मिलने पर जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि नगर पंचायत क्षेत्र में करीब 1200 शौचालय सरकार द्वारा आवंटित किए गए हैं, जो लाभार्थियों के फॉर्म भरकर जमा होने हैं, लेकिन आज तक शौचालयों का निर्माण नहीं हो पाया है। इसके अलावा नगर पंचायत कार्यालय का बिजली बिल जमा न होने के कारण विद्युत विभाग ने कनेक्शन भी काट दिया है, जिसकी शिकायत कई बार जिम्मेदारों से की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो निर्माण कार्य को लेकर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। आपको हम बता दें, कलियर नगर पंचायत में शौचालयों का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है, इसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो महिलाएं हैं किस तरह से कलियर में वो आक्रोशित हैं, और आक्रोशित लोगों ने नगर पंचायत कार्यालय पर इकट्ठा होकर हंगामा किया है और ईओ के न मिलने पर जमकर नारेबाजी भी की गई है। मामला यही है, हमारे चेयरमैन साहब को कोई
अधिकारी को यहाँ भेजा है, वो अधिकारी ना यहाँ बैठ रहा, ना गरीब का कोई काम हो रहा, ना चेयरमैन साहब को कोई काम करने दे रहा, हर काम रुकआउट कर रहा। इसे हम लोग सब ग्रामवासी चाहता ये अधिकारी को यहाँ से हटा देवा जाए। ये दरअसल नगर पंचायत की पूरी जनता आक्रोश में है। जो हमारे यू साहब हैं वो ऑफिस में नहीं बैठते हैं और ना ही किसी का भी कार्य करते हैं, और जनता को हम भी कह कह के थक लिए भाई आज करेंगे कल करेंगे। अब दरअसल टॉयलेट के पैसे हमारे यहाँ चार महीने से आए पड़े लगभग, और वो जो जनता तक पैसा पहुँचना था टॉयलेट का वो नहीं पहुँच पाया। अब वो बेचारे जब से नगर पंचायत बनी है तब से भर रहे हैं फार्म, आना जाना बेचारे होते, औरत ऐसी होती है भाई वो चाहती हैं कि दो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहादुराबाद स्थित वात्सल्य वाटिका में ड्रग्स इंस्पेक्टर अनिता भारती ने अनाथ बच्चों के साथ अपने जन्मदिन को साझा किया है और साथ ही बच्चों को खाने पीने की चीजें वितरित किया है। इस मौके पर रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल भी मौजूद रहे। बहादुराबाद स्थित वात्सल्य वाटिका में ड्रग्स इंस्पेक्टर अनिता भारती ने अनाथ बच्चों के साथ अपने जन्मदिन को साझा किया और साथ ही बच्चों को खाने पीने की चीजें भी दी गई हैं और इस मौके पर रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल भी मौजूद रहे। लगातार पिछले लगभग 8-9 साल से ऐसे आश्रमों में लगातार आना जाना रहता है। हमारे मित्र हैं देशमुख जी, उनके पुत्र का यहाँ पर जन्मदिन है, ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती जी हैं बहन, उनका जन्मदिन है, मनाने के लिए सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं समझता हूँ वास्तव में जन्मदिन मनाने का एक बहुत अच्छा तरीका ऐसे असहाय बच्चों के जो आश्रम हैं इसके अंदर जा करके लोग कहीं ना कहीं अपने बच्चों को संस्कार बाद भी बनाए आने वाली पीढ़ी और यहाँ करके कुछ ना कुछ जरूर सहयोग करें। हरिद्वार के बहादुराबाद में स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र में कोई भी सफाई कर्मी की तैनाती नहीं है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ डॉक्टर भी अक्सर नदारद रहते हैं। वही जब इसके बारे में उपकेंद्र गढ़ में मौजूद अमरीन अंसारी CHO गढ़ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ कोई सफाई कर्मचारी केंद्र में नियुक्त नहीं किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का प्रचार प्रसार कर रही है, वहीं जब स्वास्थ्य केंद्रों पर ही सफाई कर्मचारी ना हो तो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की पोल बड़े पैमाने पर खुलती है। तो हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हरिद्वार के बहादुराबाद में स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र में कोई भी सफाई कर्मी तैनात नहीं है। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, सब सेंटर है। यहाँ पे जो मेरी पॉपुलेशन है गढ़ मेन जो गढ़ है, गढ़ के अंदर कुतुबपुर की पॉपुलेशन भी है, गढ़ की भी है। तो इसमें मुझे मेनली जो मेरा काम है NCT स्क्रीनिंग है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। फीबैक फॉर्म फिल करना, NCT स्क्रीनिंग करना, इम्यूनाइजेशन को जो एक्टिविटी होती है इम्यूनाइजेशन को उसको कराना, उसको सुपरवाइज करना, और यहाँ पे जो बिल्डिंग है मेनली ANM के नाम पर है। पहाड़ समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम TV।